हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके साथ लेके आए हैं स्क्वायर वन के नाम से गुजरावाला में। उस प्रोजेक्ट को मैंने विजिट किया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाइन हाफ़िज़ राशिद मकसूद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, और हमारे साथ इसके सेल हेड लाइन उमर खालिद खोखर साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो उमर भाई, आप ये बताएं ये प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका। लोकेशन इसकी बहुत ही आइडियल है, मेन जीटी रोड के ऊपर है। हमारे पीछे जीटी रोड नज़र भी आ रहा है। हाँ, जैसे ही आप गुजरावाला एंटर होते हैं, चांदा किला क्रॉस करते हैं, तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा और बिल्कुल ये मुराद आई हॉस्पिटल के से मुलिका है और चंद कदम के आगे मॉल ऑफ गुजरावाला है। आइडियल लोकेशन है, टू साइड ओपन है। बैक साइड के ऊपर जो रोड है वो किनाल रोड को टच करता है, जो अपर चनाब किनाल है, और लोकेशन आपके सामने है कि आइडियल है। यानी कि जीटी रोड के ऊपर इससे आइडियल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। और ये अपॉर्चुनिटी क्या है आगे चल के आपको बताते हैं। ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने अभी क्यों लॉन्च किया है और कब लॉन्च किया है और इसकी सेल्स कैसे जा रही हैं? अभी सर इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा हमें मार्केट से रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक साल का पेमेंट प्लान है, 30% से बुकिंग है और बाकी 70% आपने एक साल में पेमेंट कम्प्लीट करनी है। 50% पेमेंट करके आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। रेडी टू बिल्ड प्लॉट है, ठीक है। कमर्शियल प्लॉट की कटिंग है, 2 मरला 3 मरला से लेकर 7-8 मरला तक है, लेकिन जो मेन इन्वेंट्री है वो 5 और 6 मरला की है, और जो इसकी टोटल प्राइस पर मरला प्राइस है वो 55 लाख। इसके अलावा इधर जो बंदा अगर परचेज़ करता है कोई प्लॉट, तो वो फौरी तौर पर 3 मंजिला जो है इमारत बना सकता है। तो वो अप्रूव्ड है? वो अप्रूव्ड है, यानी कि उसका नक्शा भी, उसका नक्शा की फीस भी हम दे चुके हैं। यानी कि जो फर्स्ट बाय करेगा जगह जी, उसका नक्शा भी अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है, उसने कोई फीस नहीं देनी। अच्छा, वो अपनी मर्जी से वो डेवलप नहीं कर सकता? नहीं, वो डेवलप कर सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ तक हमने उनको नक्शा फीस जमा करवा के उनको दे दी हुई। ठीक है, तो उसने कोई फीस नहीं देनी। उसने फौरन जब भी कब्जा लेना है, कब्जा लेके वो उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकता है। उस कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, इसी लुक्रेटिव है, अट्रैक्ट करता है लोगों को प्रोजेक्ट के। जी कोई मसला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, फौरन आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% पे पोजेशन ले सकते हैं, लेके उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। और हम प्रेफर भी कर रहे हैं कि ऐसे लोग आएँ। क्या इसकी रजिस्ट्री होगी या फिर ये उसकी फाइल दे रहे हैं? ये इसकी रजिस्ट्री होगी। शुरू में तो एक फ़ाइल बनेगी, बयाना होगा, फाइल बन जाएगी, वो ये लोग ही करेंगे, और उसके बाद रजिस्ट्री जो है वो अल्टीमेटली हम खुद करेंगे। आप राशा साहब, इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये रेडी टू डिलीवर है, मतलब कि आज ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है ना। इसकी और एक खूबी कि आप 50% दे के तो आप ये पोजीशन ले सकते हैं, ये बात सच है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी हमारा जो प्रोजेक्ट है स्क्वायर वन, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ। एक तो हमारा ये कमर्शलाइज अप्रूव्ड है जी। Okay. जिस दोस्त ने यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है वो फौरी हमें 50% पेमेंट दे और स्टार्ट कर सकते हैं अपना कमर्शियल जी यहाँ पे। और मैं समझता हूँ ये हमारे गुजरांवाला शहर की ये सबसे प्राइम लोकेशन है जी। ठीक है जी, जैसे मेरी बैक साइड पे आपको जीटी रोड नज़र आ रहा है, ठीक है, मेरे राइट पे जो है जी मॉल ऑफ गुजरांवाला है, मेरे लेफ्ट पे 1 किलोमीटर पे चांदा किला है जी। ठीक है, इसी तरह अगर हम मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वाबडा टाउन तक किनाल के साथ साथ सारी पट्टी जो है, मैं इसको गुजरांवाला का डाउनटाउन बोलूंगा जी। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। सेकंड जो है डेवलपर जो है बड़े अच्छे हैं वहाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिज प्राइवेट लिमिटेड, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे भी काफ़ी डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट जी, इस्लामाबाद में किए हैं, लाहौर में किए हैं, गुजरांवाला में भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये हमारा गुजरांवाला में 3रा प्रोजेक्ट है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमने डिलीवर किया है, और नेक्स्ट हम दोस्तों को कहेंगे कि लिमिटेड प्लॉट्स हैं जी, तो बहुत जल्द आप लोग आएँ,
और अपनी मर्जी की लोकेशन यहाँ पे जो है ना जी बुक करवाएं उमर भाई से जी। यानी कि अगर आज हम कोई प्लॉट लेते हैं या आज हम कुछ करना चाहें तो अपनी मर्जी से अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कल को जब सोल्ड आउट हो जाएंगी चीज़ें तो चीज़ें महंगी भी होंगी। उमर भाई मुझे ये बताएं कि इसकी जो फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? सर, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा इन्वेस्टर है, जो एंड यूज़र है, उसके सरमाए का तहफ़ यकीनी बनाया जाए। मैंने हाफ साहब ने जैसा कि बताया है कि आप इसकी सुबह रजिस्ट्री करवाना चाहें करवा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का NOC क्लियर है, लेआउट प्लान इसका अप्रूव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइल सिस्टम है, और उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद इसकी मेंटेनेंस, इसकी सिक्योरिटी, इसकी मेंटेनेंस अल्टीमेटली वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं होगा कि आपको प्लॉट बेचा तो आपके सुपुर्द हो जाएगा। तो हमने इस प्रोजेक्ट को लाइफ टाइम लेकर चलना है, ताकि अगर आज कोई हम पर रिलाई करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका रिवॉर्ड उसको विद इन 2 to 3 months नज़र आएगा। अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इस टाइम GT रोड के ऊपर जो मरले की कॉस्ट चल रही है वो 80 lakh से 1 crore है जी, और वो उसके अंदर इतना टाइम भी नहीं होता, वो किस्तों पे भी नहीं होती, ठीक है। आप देखें कि हमारी जो सीवरेज है वो कम्प्लीट है, जो रोड कारपेट्स हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है अंडरग्राउंड है, ट्रांसफार्मर्स लग चुके हैं, और आपको क्या चाहिए? इसके फ्यूचर प्लान को अगर इसको बनाते हैं आप लोग, तो सबसे पहले इस डेवलपर के माइंड में क्या था कि यहाँ पे क्या फूड स्ट्रीट बनाना चाहता है वह, या किस किस्म की इंडस्ट्री को यहाँ पे आप लोगों के थिंक टैंक हैं वो यहाँ पे लेके आना चाहते हैं? अल्टीमेटली हमने इसको एक कमर्शियल जोन ही बनाया है, तो उसी पर्पज़ को देखते हुए कि जिस तरह से एक स्पेसिफ़िक एरिया होता है कमर्शियल का, आपको पता है कि जो एक स्पेसिफ़िक मार्केट होती है, क्लाइंट को पता होता है कि ये इसके लिए है, जिस तरह से हमारे मुमताज़ मार्केट वो एक फूड चेन बन चुकी है, इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि हमारे जो पास मॉल भी बने हैं इधर, सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि ब्रांड्स को लेकर आएँ, ताकि इसकी वर्थ भी इनक्रीज़ हो, लोगों को ईजी एक्सेस पर उनको ब्रांड्स मिलें, और जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे सबसे ज़्यादा अल्टीमेटली बेनिफिट उनको होगा। जब यहाँ पर ब्रांड्स अवेलेबल होंगे तो उसका जो रिस्पांस होगा, उसकी जो रेंटल वैल्यू होगी, उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी, वो बहुत ज़्यादा हो। सही सही सही। यहाँ पे हम रेडी टू डिलीवर बेसिकली प्लॉट्स दे रहे हैं, किसी किस्म की इसका NOC हो चुका है, कमर्शलाइजेशन हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। आज आप आके प्लॉट लेते हैं, कल से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी तरीके से हमारी सेल जारी हैं, और स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं, रोड्स भी लग चुकी हैं, और हम इलेक्ट्रिकल का काम भी करवा चुके हैं, वाटर सप्लाई और सीवरेज जो है वो अंडरग्राउंड सारी की सारी हो चुकी है, और हमारे जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है वो सारे का सारा अंडरग्राउंड है। जिन दोस्त अब आपने शुरू करना है वो फौरी शुरू कर सकते हैं, और जिन दोस्तों ने कैश पेमेंट पर लेना है फौरी रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं। अच्छा, नो फाइल सिस्टम उसके लिए कोई डिस्काउंट भी है जो कैश जी कैश पे लेंगे? जो मेरे दोस्त लेंगे कैश के ऊपर उनको 5% लम सम पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट है जी। एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, चूंकि 2 साइड ओपन है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, आप किसी एक प्लॉट को भी नहीं कह सकते कि ये डेड है या पीछे है, इक्वली इम्पोर्टेंस है। और हमारे पास ऑलरेडी, मैंने जैसे कि बताया कि हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, ऑलरेडी कुछ लोगों ने आके सिर्फ टोकन दे के ना प्लॉट रिजर्व करवा दिए, ताकि वो जो लोकेशन वो चाह रहे हैं हाँ। वो उनको मिले। तो लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो लोकेशन है वो तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, इधर लेफ्ट और राइट साइड पे नहीं, कस्टमर टू कस्टमर ना उनकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड हाँ, करता है कि वो हर बंदे की अपनी तरजीहात होती हैं। एक चीज़ को हम मेक श्योर करेंगे कि जो आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं उसको 100% फुलफिल किया जाएगा, ये आपसे वादा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद रशीद भाटा है, और मैं रियल इस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ, और ये मैंने प्रोजेक्ट देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। सबसे अच्छी ये बात यह कि ये प्राइम लोकेशन है, कमर्शियल है, और मैं समझता हूँ कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, ठीक है ना जी। तो हम भी बहुत सारी चीज़ों को देख के अपने दोस्तों को मोटिवेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आज ही मैंने एक प्लॉट एक दोस्त को ख़रीद के दिया है, उम्मीद है इंशाल्लाह, और कुछ दोस्त पाइपलाइन में है, तो मेरी कोशिश है कि मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लाट है ना उनको मैं बाय करूँ। सो माई डियर फ्रेंड, मेरा रिकमेंडेड, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि ये मेरे घर के बहुत करीब ही है। आई लव दिस प्रोजेक्ट। भाई खुद अपना यहाँ पे IT टावर शुरू कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आए और विजिट करें इनका भी IT टावर यहाँ पे।
टेक्नो पाकिस्तान आईटी टावर बनेगा इंशाल्लाह स्क्वायर वन माल में इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह अगर मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको कोई ना कोई डिस्काउंट ले दूंगा। इन्होंने ऐसे डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं देना, इनको मना लेंगे। आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मेरे से रब्ता करें। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।